एक ही आरोपी, एक जगह चार्जशीट में नाम, दूसरी जगह पेपर लीक के शक में हो रही जांच में आ रहा है नाम। वो जेल में बंद है और आरोप लग रहे हैं कि यहीं से वो पेपर लीक भी करवा रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या यूपी सिपाही भर्ती घोटाले और नीट के कथित पेपर लीक में एक ही गैंग तो शामिल नहीं है। क्या सिपाही परीक्षा के पेपर लीक और नीट परीक्षा के कथित पेपर लीक के पीछे एक ही गैंग का हाथ है? ये सवाल इस तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम आने के बाद तेज हो गया है। उसका नाम है रवि अत्री। ये जेल में बंद है, सिपाही भर्ती घोटाले का मुख्य आरोपी है, लेकिन बिहार पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसमें इसी रवि अत्री का नाम सामने आया है। दो अलग अलग परीक्षा, अलग अलग पेपर लीक के आरोप, दोनों में एक ही शख्स का नाम सामने आता है। इससे इतना तो जरूर साबित होता है कि पूरा रैकेट बहुत बड़ा है। रवि अत्री जैसे कई और लोग इस रैकेट में शामिल हैं जो लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो इतने मजबूत हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम के सुरक्षा तंत्र को आराम से भेद पा रहे हैं। मेहनत से पढ़ाई करने वाले छात्रों की जगह पैसे के दम पर छात्रों को सिपाही से लेकर डॉक्टर बनाने की परीक्षा तक में पास करवाने की गारंटी लेने वाले रवि अत्री जैसे आरोपी से सख्ती से निपटने की जरूरत है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है कि जो रवि अत्री जेल में सिपाही पेपर लीक के आरोप में बंद है, वही रवि अत्री जेल में रहते हुए एक और पेपर लीक की साजिश रच देता है? अगर रवि अत्री ने ऐसा किया है तो बड़ा सवाल है कि वो इतना मजबूत कैसे है कि जेल में रहते हुए पेपर लीक की साजिश रचता है। अगर ये सही है तो ये सिस्टम पर और बड़ा सवाल है।